तीनों अरब हमारा, तीनों अरब हमारा, हिंदोस्तान हमारा, रहने को घर नहीं है, सारा जहां हमारा, सारा जहां हमारा, तीनों अरब हमारा, हिंदोस्तान हमारा। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, ऐ दिले नदान तुझे हुआ क्या है। अजिहे बहुत सारे गीत ने जो गीतां दा सिलसिला साडी जिंदगी नूं किते ना किते मुकम्मल करदा, जो एक ओल्ड मीनिंग है, पुराने गीत, उन्हां दी सोबत दा असी आनंद बाखूबी माणिया। ये गीतां दा जिक्र ख्याम साहब नाल आके जुड़दा है, क्योंकि इन्हां सारे गीतां नूं संगीतबद्ध ख्याम साहब ने किया। ख्याम साहब राहों दे सन, जलंधर आकाशवाणी दे विच तबलची सन, उत्थे उन्हां दी मुलाकात जगजीत कौर दे नाल होई। जगजीत कौर पिंड कंग माई दी सी। उस दौर दे अंदर इन्हां ने लव मैरिज कीती। इस विआह दा जिक्र काफ़ी कंट्रोवर्सी दे विच रहा सी, पर ख्याम साहब दा म्यूजिक हमेशा ही लोकां नूं बहुत प्यारा लगा, वो मन नूं छूंदा लगा। एक दिलचस्प किस्सा है कि 1956 दे अंदर राज कपूर साहब दी एक फिल्म आई सी, फिर सुबह होगी। उस फिल्म दे गाणियां दा जिक्र बहुत देर बाद आंदे होंदे लाल कृष्ण अडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी अपनी सियासी रैलियां दे विच वी करदे सन। ये फिल्म उस दौर दी वी एक कॉन्ट्रोवर्शियल फिल्म सी अपने गाणियां नूं लैके। इस फिल्म दे नाल पंज पंजाबी जुड़े हुए सन। इस फिल्म नूं बनाउण वाले रमेश सहगल, इस फिल्म दे अदाकार राज कपूर, इस फिल्म नूं आवाज़ देण वाले मुकेश, इस फिल्म के गीत लिखण वाले साहिल लुधियानवी, इस फिल्म नूं संगीतबद्ध करन वाले ख्याम साहब। बहुत पहला अलामा इकबाल ने लिखा सी चीनो अरब हमारा, उसे नूं अपने अंदाज दे विच साहिल लुधियानवी ने लिखा, इस फिल्म का गीत सी। ये फिल्म का गीत उस दौर के अंदर इंटॉलरेंस का प्रतीक मनिया गया। बहुत सारे बंदियां ने इसकी आलोचना की, ये गीत बैन होया क्योंकि उन्होंने लगता सी कि देश नवा नवा आज़ाद होया अते आज़ाद देश दे अंदर अजिही आलोचना किसी नूं बर्दाश्त नहीं। अते बहुत देर बाद आके इहो ही गीत अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण अडवाणी अपनी सियासी रैलियां दे अंदर करते रहे। ख्याम साहब बारे तो तुहानूं पता ही है भी, जे आपां देखिए भी सदा बहार, जे आपां कोई म्यूजिशियन है बॉलीवुड का तो ख्याम साहब ही है। तो ख्याम साहब की भी एक कहानी अपने आप दे विच ही बहुत ज़्यादा रोचक है। उन्हां दी फैमिली जिहड़ी है 1947 विच परिवार उन्हां दा वैसे पाकिस्तान चला गया सी, तो उही इकल्ले इत्थे बचे सन। तो उन्हां दी कहानी इस तरह है कि उन्हां दा वैसे कोई टब्बर दा पिछोकड़ संगीतक नहीं सीगा, पर उन्हां दा खुद दा रुझान सीगा। उह पहलां घरों गए सी लाहौर, लाहौर दे विच उन्हां नूं जिहड़ा पहला ब्रेक मिलिया है वह अपने बी आर चोपड़ा होना करके मिलिया सीगा, उन्हां दे रेफरेंस ते उन्हां नूं पहली बार काम मिलिया है। बिल्कुल, मतलब कि इहदे विच मैनूं इह लगदा भी शायद उस वेले उन्हां नूं पिंड दा ही कोई हवाला होगा जां रेफरेंस होगा, उस बेस ते काम मिलिया होगा। क्योंकि अज भी तुसीं देख लो भी जे अपने साडे राहों दा बंदा जिहड़ा कोई बाहर बैठा है, चाहे वह दिल्ली बैठा है जां मतलब पाकिस्तान च भी बैठा है, वो पिंड वाले का जो उन्होंने पता लगता भी पिछोकड़ राहों तो है तो वह बड़ा माण करता है। तो मैं यही लगता भी जिहड़ी क्योंकि दर्ज है भी पहला ब्रेक बी आर चोपड़ा होना नहीं, उन्होंने रेफरेंस ही उन्होंने काम मिले है तो इसी तरह होएगा। पर यह भी देख लो भी जो पार्टीशन हो जाता है, क्योंकि पार्टीशन तो पहली 1945-46 ख्याम साहब बॉम्बे शिफ्ट हो गए सन, तो जदों पार्टीशन होया तो ख्याम साहब पाकिस्तान नहीं गए सन। सो जे मतलब ख्याम साहब पाकिस्तान चले जाते तो मैनू लगता भी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री नूं रजिया सुल्ताना वर्गी जिहड़ी फिल्म है या होर जिहड़ियां क्लासिकल फिल्म है उन्हां दा अमराव जान है वह म्यूजिक ना मिलता। भी जे आपां उन्हां दा म्यूजिक देखते हैं वह जिहो जी उहदे विच ताजगी है वह अज भी लगता है कि नवां है तो फ्रैश है। तो तुसीं जिन्नी वार मर्जी सुन लो उन्हां दा म्यूजिक तो तुसीं उकताओगे नहीं कभी भी। रजिया सुल्तान दा ऐ दिले नादान, मैं हुण गाना नहीं आंदा। फारूक शेख दियां कई फिल्मां दे विच जिहड़े सीगा, चाहे नूरी सीगा
ਉਹ ਖਿਆਮ ਦਾ ਹੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਫਾਰੂਕ ਸ਼ੇਖ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਡੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਜਿੱਡੀਆਂ ਕਲਾਸਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਓਡਾ ਕੀ ਕਲਾਸਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਖਿਆਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹ ਕੋਂਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਡਾ ਤਕੜਾ। ਫਾਰੂਕ ਸ਼ੇਖ ਤਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਨੂਰੀ, ਕਭੀ ਕਭੀ ਇਹਨਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਯਸ਼ ਚੋਪੜਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਖਿਆਮ।